नमस्कार साथियों, अनिल गुरु ब्लॉग में आपका स्वागत है। साथियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक ऐसी जानकारी लेके आए हूं जो बहुत ही अद्भुत है। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था और ऐसे यहाँ कई उदाहरण भी मौजूद हैं। उनमें से एक उदाहरण आज मैं लेके आया हूँ। साथियों, यह मामला है हमारे मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक ग्राम का। जी हाँ, उस जगह का नाम है बिलहरी। बिलहरी एक ऐसी जगह है जिसे राजा कर्ण की नगरी कहा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कर्ण द्वापर युग के महाभारत के कर्ण नहीं है। इनके नाम की समानता है, लेकिन ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि दोनों ही दानवीर हैं। तो बिलहरी की बात करते हैं। बिलहरी राजा कर्ण की नगरी है। यह राजा कर्ण की राजधानी थी। राजा कर्ण बड़े ही प्रतापी राजा थे, जो प्रतिदिन सवा मन सोना दान करते थे। अब इसके पीछे का तथ्य क्या है, हम आपको ये भी बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि आज भी बिलहरी में 10वीं और 11वीं 12वीं शताब्दी के अवशेष देखने को मिलते हैं, खंडर हैं, और ऐसी भूल एक शिलाएं हैं जिन पर यह प्रतीत होता है कि यह राजा कर्ण के समय की है। बिलहरी एक अद्भुत जगह है जिसे सोने का नगर भी कहा जाता रहा। यह सोने का नगर है। यहां राजा कर्ण तो माता प्रतिदिन 2.5 मन सोना देती थी, इनमें से 1.25 मन सोना वह दान कर देते थे। पौराणिक कथा के अनुसार यह सत्य कथा है, लेकिन साथियों यह कोई किंवदंती नहीं है, यह सत्य कथा है। यहाँ के लोग भी इस बात को स्वीकारते हैं और बताते हैं कि चंडी माता का मंदिर है, जिस मंदिर में राजा कर्ण प्रतिदिन पूजा करने जाते थे। और पूजा करने के बाद वह एक कढ़ाई में बहुत सारा तेल उबालते थे और उस कढ़ाई पर पूज जाते थे। माता उन्हें भक्षण कर लेती और फिर अमृत डालकर उन्हें पुनः जीवन दान दे देती। इसके बाद प्रतिदिन उन्हें 2.5 मन सोना माता दिया करती थी। 2.5 मन मतलब करीब 100 किलो सोना, जिसमें से 1.25 मन सोना वह प्रतिदिन गरीबों को दान में दे दिया करते थे। इस तरह से दानी राजा थे राजा कर्ण। ये बिलहरी कटनी से मात्र 15 किलोमीटर दूर है। ऐतिहासिक नगरी है, जिसे पुष्पावती भी कहा जाता है। जैन धर्म का एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर, जहां देश भर से लोग मंदिर के दर्शन करने आते हैं। साथ ही राजा कर्ण की इस बिलहरी नगरी में आज भी राजा कर्ण के महल के मंदिरों के अवशेष देखने को मिलते हैं, जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ खुदाई करना भी मना है। और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि यह सोने का नगर था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। साथ ही आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही। मेरा निवेदन है आप मुझे सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।